I'm चांदनी फ्रॉम एनडी के निरोगम फैब्रिक लिमिटेड। आई एम योगा स्पेशलिस्ट और हम आज बात करने जा रहे हैं आसन के बारे में। और जो हमारा आज का आसन है वो है गौमुखासन। तो इस आसन में मैं आपको बताऊंगी कि हमें गौमुखासन को करने से क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं और ये गौमुखासन किसे नहीं करना है। सो लेट्स स्टार्ट द आसन। फर्स्टली हमें इस तरह से बैठना है दंड आसन में। अपने दोनों पैरों को स्ट्रेट करके बैठेंगे। नेक्स्ट हम करेंगे अपना राइट लेग को बेंड करेंगे हम लेफ्ट लेग के ऊपर से लाइक दिस, और हम लेके आएंगे अपने लेफ्ट लेग को बैक साइड पे फोल्ड करके। और हमें यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना है, अगर हमारा लेफ्ट लेग राइट लेग के डाउन से है तो हमारा लेफ्ट हैंड भी हमारे डाउन से जाएगा और जो हमारा राइट हैंड है ये हमारे अप साइड से आएगा इस तरह से। और हमारे दोनों हाथों को अब हम पीछे बैक में ग्रिप करेंगे और अब होल्ड करेंगे यहाँ पे 10 काउंट पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम दोनों हाथों को रिलीज करेंगे। अब नेक्स्ट रिलीज करेंगे अपने पैरों को शेक करके। सेम प्रोसेस करेंगे हम अपने लेफ्ट लेग के साथ। इस बार हमारा लेफ्ट लेग जो है ये हमारे राइट लेग के अप से आएगा और जो हमारा राइट लेग है ये जाएगा डाउन साइड से इस तरह से। यही कि अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो हमारा लेफ्ट हैंड है ये हमारे अप साइड से आएगा और जो हमारा राइट हैंड है इसको हम होल्ड करेंगे डाउन साइड से और दोनों हाथों को पीछे ग्रिप करेंगे इस तरह से। अब हम होल्ड करेंगे वहां पे 10 काउंट तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नेक्स्ट अब हम करेंगे अपने दोनों हाथों को रिलीज, पैरों को रिलीज करेंगे। तो ये था हमारा गौमुखासन। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि गौमुखासन को हम रेगुलर करते हैं तो इससे हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। फर्स्ट जो बेनिफिट है हमारा गौमुखासन को करने का, उसमें जिसको भी हाई बीपी या लो बीपी का प्रॉब्लम होता है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव होता है, या फिर काफ़ी आपको रेगुलर आप कर रहे हो ये आसन तो जिसको भी ये दिक्कत आ रही है वो काफ़ी कंट्रोल में रहता है। और सेकेंडली जिसको साइटिका का प्रॉब्लम है, साइटिका में भी ये कर सकते हैं, साइटिका वालों को काफ़ी रिलीफ करता है। और जो थर्ड वन है ये है जिसी को बैक में प्रॉब्लम है या फिर हिप्स का प्रॉब्लम है और एंकल की प्रॉब्लम है, इन सभी प्रॉब्लम्स को ये काफ़ी अच्छे से रिलीफ देता है। और नेक्स्ट है ये गौमुखासन किसे नहीं करना है। वैसे तो गौमुखासन को सभी लोग करते हैं, लेकिन इसमें अगर किसी को किसी हैंड मेजर इंजरी हो, किसी को फ्रैक्चर या फिर किसी भी तरह का हाथ में कोई मेजर इशू आ रहा है तो उसे ये आसन करने से अवॉइड करना है। और अब मैं बताऊँगी कि गौमुखासन को हमें कितने टाइम तक करना है। जो बिगिनर होते हैं उनको तो ये आसन 3 मिनट तक कर सकते हैं, वैसे 2 से 3 मिनट तक कर सकते हैं, लेकिन जो रेगुलर ये आसन कर रहे हैं और कंटिन्यू करते हैं उनको ये कम से कम 5 से 6 मिनट तक करना ही करना है। आपको इसमें 3 सेट करने हैं 20-20 काउंटिंग के। थैंक यू। कॉल नाउ।